रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह से कई हवाई हमले किए हैं रूसी मिसाइलों के हमलों से। कीव में बना एक पैदल यात्री पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेनी सेना के अनुसार रूस ने सुबह से अब तक तकरीबन 75 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 41 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निष्क्रिय कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने हमलों में पूरे देश में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने कहा कि वो दहशत और अराजकता फैलाना चाहते हैं, वे हमारी ऊर्जा प्रणाली को ध्वस्त करना चाहते हैं। रूस ने कहा कि जिस प्रकार से यूक्रेन में हमले हो रहे हैं वो देश के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि बंकरों में रहने से लोगों को फायदा होगा। Украинцам, украинки, рану квашки, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди –